झूठ में एक चम्मच शटदर फेकअप मिलाएं और साफ सुथरा। आज के एपिसोड में बताएंगे कैसे एक मैला झूठ बातों के डिटर्जेंट में धोकर साफ करके बता दिया गया। अब वैसे तो मोदी जी किसी को इंटरव्यू देते नहीं, अब पर पीआर से पीछे हटते नहीं। अब अक्की पाजी को दिया इंटरव्यू, शायद ही किसी ने मिस किया होगा। अब भाई टीआरपी का सवाल है, चलिए इसी का एक अंश आपको दिखाते हैं। तो मैं देखता था कि एक तो मैं कपड़े खुद धोता था, सीएम बना तब तक मैं कपड़े खुद धोया। बड़ा ही साफ सुथरा व्यक्तित्व प्रस्तुत किया है और आपने इसे सच भी मान लिया। दरअसल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि इनका खुद का एक धोबी था जिसका नाम था चांद मोहम्मद, जिसने 1970 के दशक में 10 साल इनके लिए कपड़े धोने का काम किया था। इतना ही नहीं, मोदी जी ने इन्हें खुद 2008 में विशेष तौर पर एक सभा में बुलाकर सम्मानित भी किया था। ये कौन थे? ये नरेंद्र मोदी के कपड़े धुलते थे। कब धुलते थे? तब जब वो 70 के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक के तौर पर काम करते थे। तो अब आप की कौन सी बात को सच माना जाए, अक्षय के साथ बोली हुई बात या धोबी वाली ये बात? चांद मोहम्मद धोबी के बारे में लोगों को कायदे से मालूम पड़ा जब साल 2008 में नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक पब्लिक कार्यक्रम में इन्वाइट किया था। मगर बात यहीं पर नहीं रुकी। आप तो ये भी बोल गए कि मैं और ओबामा बहुत अच्छे दोस्त हैं और तू तलाक से बात करते हैं। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? तो मैं, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारी करके बुलाते हैं दूसरे को। लेकिन हमें धोबी के लिए थोड़ा बुरा लगा, क्या करें, आजकल मोदी जी का रुख चौकीदार की तरफ जो हो गया है। बाकी अब आप अपने धोबी तक को ये वीडियो दिखाकर इस मुहिम में शामिल कर उससे भी कहें कि वो भी बोले शा, 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 शा,